सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गुरप्रीत सिंह लैंडमार्क इमीग्रेशन तो एक बार फिर तुहाडे सामने इस वीडियो के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के उत्ते गल करांगा। अज गल करांगे रिगार्डिंग यूके यूनाइटेड किंगडम, यूके के बारे गल करांगे क्योंकि बहुत सारे फेर बदलाव होने वाले ने यूके दे विच, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जिहड़े स्टूडेंट उत्थे जाके पढ़ना चाहते ने। ये वीडियो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट हैगी है। मैं चाहना कि वह यह वीडियो शुरू तो लैके एंड तक वेखन। अगर वो साडे नाल अज पहली बार जुड़े ने तो वीडियो तो पहला चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन का बटन दब दो, ऑल ते क्लिक कर दो ताकि हर छोटी जी इनफॉर्मेशन असी जी शेयर करते हैं इस चैनल के जरिए वो तुहाडे तक पहुँच पाए। सो सब तो पहला स्टार्ट करा कि फिर बदलाव होने वाले ने, सब तो पहला तो कदों होने वाले ने मैं गल कर लग्या वा वो स्टूडेंट लिए जेडे जनवरी इनटेक लिए अपलाई करेंगे, जनवरी 2021 अपलाई करेंगे, उन्होंने चेंजेस हो जाने हैं। जेडे न्यू रूल्स है उन्होंने अपलाई होने हैं, जेडे ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन जेडे मतलब पुराने चलते आ रहे हैं वो जेडे सितंबर दे विच अपलाई कर रहे हैं या कोई होर रोल ऑन इनटेक के लिए अपलाई कर रहे हैं वो उन्होंने लिए अपलाई होंगे। सब तो पहला जो असं प्रेजेंट रूल्स की गल करते हैं, रेगुलेशन की गल करते हैं, असी वेखते हैं कि सानू 40 पॉइंट चाहिए होंगे यूके दे स्टडी वीज़ा नू प्राप्त करन दे लई। उत्थे असी देखते हैं तो 40 पॉइंट नू जदों असी देखते डिटेल्स दे विच चैक करते हैं तो हुंदा है कि सानू जिहड़े कैश लैटर दे पॉइंट मिलते दैट इज़ 30 पॉइंट एंड जिहड़े 10 पॉइंट सानू मिलते हैं फाइनैंशियल दे मिलते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो यही चल रहा वा, जिहड़ा अज दा रूल हैगा यूके स्टूडेंट वीज़ा लैण दा वो यही कहिंदा है कि तुहानू 40 पॉइंट चाहिए है जे तुसी सितंबर इनटेक लई जा रहे हो, 30 पॉइंट तुहाडे पूरे हुंदे कैश लैटर दे नाल और 10 पॉइंट तुहाडे फाइनैंशियल दे नाल। बट यही चीज़ नूं मैं अगर जनवरी च देखा जिहड़े स्टूडेंट ने जनवरी दे विच जाणा वो जनवरी विच देखण लग्गिया मैनूं थोड़ी जिही चीज़ आउंदी है कि यह पॉइंट हो जाणे 70 पॉइंट नूं आपां कितना डिटेल दे विच देखांगे, 50 पॉइंट तुहाडे हो जाणे कैश लैटर दे, 10 पॉइंट तुहाडे फाइनैंशियल और 10 पॉइंट तुहाडे जिहड़े इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दे हो जाणे है। जी बिल्कुल सही सुनिया तुसीं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जिथे पहला अंबैसी का कोई लेना देना नहीं हुंदा सी यूके का कि तुहाडे कोल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हैगी है या नहीं हैगी, तुसीं आयल्स कीता है या पीटी कीता है, ड्यूलिंगो कीता है या किसी होर पैरामीटर दे नाल तुसीं इंग्लिश की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो उस कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो अंबैसी का कोई सरोकार नहीं हुंदा सी। पर अज की डेट के जो चेंजिस 2021 दे विच आने वाले है और तुहानू 10 पॉइंट तुहाडे जिहड़े है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दे मिलणगे। बिल्कुल सही सुनिया तुसी, सो ये सब तो वड्डा चेंज फेरबदल होने वाला है 2021 दे विच। सो तुसी ध्यान रखना जे तुसी जनवरी दे विच अप्लाई कर रहे हो, तुसी ध्यान रखना जे तुसी सितंबर इनटेक लई अप्लाई कर रहे हो, ये सारिया चीज़ों का ध्यान देना है। अज दा रूल ये कहिंदा है कि जदों कोर्स स्टार्ट होना है कोर्स स्टार्ट होने तो 3 महीने पहला ही कैश लैटर इशू होने शुरू होने हैं, मतलब 3 महीने तो पहला कैश लैटर इशू शुरू नहीं होना। सपोज आई वॉन्ट टू गो फॉर ए मई इनटेक नैक्सट ईयर तो जदों 3 महीने रह जाते सके पुराने रूल के अकॉर्डिंग उदों ही मैनू जिहड़ा कैश लैटर इशू किया जाता सी, कई बार तो देखा जाता सी 10-10, 15-15 दिन पहला ही कैश लैटर आता वा यूके का, फिर स्टूडेंट अपलाई करता सी फाइल करता सी और फिर स्टूडेंट अगे बढ़ता सी। पर उत्थे एक बहुत वड्डी रिलैक्सेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट नू यूके देन जा रहा वा, पूरे दे पूरे 6 महीने पहला कैश लैटर इशू हो सकता है। यस सही सुनिया तुसी, अगर तुसी 6 महीने बाद दा प्लान कर रहे हो स्टडी दा ते तुहानू अज ही कैश लैटर इशू हो सकदा। 2021 दा इह रूल आ जिहड़ा चेंज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ, पहला मैं डिस्कस कर लिया तुहाडे पॉइंट सिस्टम दे विच चेंजेस आने वाले आ, दूजा सिस्टम तुहानू कैश लैटर बहुत जल्दी मिल जूगी, खुला समा मिलेगा स्टूडेंट नू अप्लाई करन दा, सो घबराउण दी लोड़ नहीं है। जिहड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्टूडेंट दी फेवर च ही ने, सो ये चीज़ दा ध्यान दे रहे हैं। सो नाल नाल एक होर बहुत वड्डा फेरबदल करन जा रही है यूके गवर्नमेंट 2021 दे विच, जिहड़ी पहला एक कैपिंग हुंदी सी यूएस दे विच कि 5 साल तो ज़्यादा तुसीं अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते, उत्थे ही वो कैपिंग नू खत्म कर दिता जा रहा वा। उस कैपिंग के खत्म होने के नाल नाल तुसीं अपने वीज़ा नू एक्सटेंड कर सकते हो, हायर एजुकेशन ले सकते हो, बट बशर्त है तुहाडी जिहड़ी है ग्राफ है वो अपवर्ड जाना चाहिए। मतलब सपोज तुसीं बैचलर कंप्लीट की है तुसीं मास्टर्स कर सकते हो, तुसीं मास्टर कंप्लीट की है यू कैन गो फॉर अ पी एच डी,
बट उत्थे ही उन्हें स्टूडेंट लिए जरूर दिक्कत हैगी है बनी हुई है जेडे मास्टर तो बाद अगेन कोई होर मास्टर्स करना चाहते हैं। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है, पर कैपिंग खत्म हो गई है 2021 खत्म हो जाएगी, पर फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा सानू कि असी एजुकेशन किस तरह लै रहे हैं, कि एजुकेशन केड़ी असी लै रहे हैं, कि असी अपवर्ड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, सारिया चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीन पॉइंट मैं थोड़े नाल डिस्कस कर चुके हैं। सो इस तरह चेंजेस आ रही है 2021 नूं लैके। सो अगर मैं चौथे पॉइंट की गल करा तो की हुंदा सीगा अज की डेट च की है, यूनिवर्सिटी कॉलेज असैसमेंट करते हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ने कहता वह सिर मत्थे ते हैगा, वह अंबैसी अगे उन्हां नाल कोई चैक नहीं करती इस चीज़ नूं कि जे तुहानूं कॉलेज यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देती है तो उन्हां दा सरोकार है उन्हां दी तुहानूं इंग्लिश आती है, अंबैसी ने नहीं चैक करना जबकि कॉलेज यूनिवर्सिटी ने चैक करना। उत्थे ही दूजा चेंजेस आ रहा है कि तुहानूं इंग्लिश जो मैं दस्सिया ना 10 पॉइंट ऐड होने वाले हैं, वह ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश है, इंग्लिश के 10 पॉइंट ऐड होने वाले हैं जिहदे तुसीं अपना आइल्स सबमिट कर सकते हो, तुसीं पीटी सबमिट कर सकते हो, तुसीं टॉफल सबमिट कर सकते हो, तुसीं ड्यूलिंगो सबमिट कर सकते हो, तुसीं इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी अपनी सबमिट करनी है जिहदे तुहानूं 10 पॉइंट बकायदा जिहड़े 70 पॉइंट हो जाने उच्चों 10 तुहाडे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दे हैगे है। सो तुसीं ओ पॉइंट नूं हासिल करना है ताकि जिहड़ा वीज़ा लगन दे चांसिस है वह वध तो वध हो जाण। वड्डा अपडेट एक होर हैगा, पंजवां अपडेट जिहड़ा है, जिवें असीं यूके दे विच पहुँच गए, यूके दे विच अपनी स्टडी कर रहे हैं, जिहड़े स्टूडेंट तां प्रेजेंट दौर दे उत्ते अपनी स्टडी नूं एक्सटेंड करना चाहुंदे ने उन्हां नूं फंड्स शो करन दी लोड़ पैंदी, उन्हां नूं दिखाउणा पैंदा अगे दा लिविंग कॉस्ट सारा कुछ, जो प्रेजेंट सिनेरियो है। 2021 तो की होना है, 2021 तो यह फंड्स की कलॉज खत्म हो रही है, उत्थे तुहानूं फंड्स नहीं दिखाना पैना। सो दिस इज अ वेरी बिग अपडेट फॉर दोज जिहड़े उत्थे जाके अपनी स्टडी नूं एक्सटेंड करदे है और अगे पढ़ना चाहते हैं, अगे वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो थानू उदे वेच कुछ भी विखाण की लोड़ नहीं है। सो एक होर बहुत वड्डी रिलैक्सेशन जिहड़ी है यूके तो सामने आ रही है 2021 दे वेच। मैनू लगता है यूके एक बहुत उभर के अगे आने वाला कंट्री है जिहदे वेच स्टूडेंट दी जाण दी जिहड़ी इच्छा वह पहले नंबर पर होएगी, मतलब फस्ट चॉइस होएगी स्टूडेंट की कि वह यूके दे वेच जाके पढ़ना चाहता अपना भविख बना चाहता। अगे मेरे को फिगरस है फंडस नू लैके, जो छेवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज असी अज अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, मैं दोनों की गल करा, दोनों पोर्शन की गल करा, सब तो पहला मैं इनर लंडन की भी गल करा, फिर मैं आउटर लंडन की भी गल करा। इनर लंडन के अगर मैं अज जाना चाहना वा सो मैनू ऑलमोस्ट 11,385 पाउंड दिखाने पैंदे है 28 दिन पुराने, जिहड़ी प्रेजेंट क्राइटेरिया हैगा। अगर मैं आउटर लंडन जाना वा तो मैनू 9,135 पाउंड शो करने पैंदे 28 दिन पुराने सरकार नू कि मेरे को जेन्युइन पेमेंट हैगी है और मैं पढ़न जाना चाहुंदा वा। उत्थे ही इस फंड दे विच भी फेरबदल किया जा रहा है, जे तुसी जनवरी 2021 दे विच जाण दी सोच रहे हो तो अपनी जेब थोड़ी होर हौली कर लेना, क्योंकि इत्थे तुहानू फंड्स दी रिक्वायरमेंट थोड़ी वधा दित्ती गई है। जदों तुसी जनवरी 2021 जाना है तो तुहानू तुसी जे इनर लंडन जाना चाहते हो तो तुहानू जिहड़ी कॉस्ट आएगी वह $12,006 तुसीं दे के दिखाने हैं 28 दिन पुराने। जे तुसीं आउटर लंडन ते जा रहे हो ते तुहानू दिखाने पैणगे 9,207 पाउंड दिखा के तुसीं अपना वीज़ा अप्लाई करदे हो। सो जिहड़ा फेरबदल आ रहा चेंज आ रहा 70-80 हज़ार रुपए का इंडियन करंसी दे विच, 70-80 हज़ार तो 1 लाख तक का चेंज जिहड़ा फंडिंग दे विच आ जाणा। सो यह तुसीं बहुत ध्यान रखना, जे तुसीं इहनूं चीज़ नूं ध्यान रखोगे तुहाडा वीज़ा रिफ्यूज होण दे चांसिस ना मात्र रह जाणगे। सो ये सारे चेंजेस आ रहे ने। नैक्सट सत्तवा चेंज जिहड़ा आ रहा वा, सत्तवा चेंज की हैगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैगा। इनिशियल स्टेज से जिहड़े एच ई आई इंस्टीट्यूट्स हैगे ने, हायर एजुकेशन प्रोवाइडर जिहड़े हैगे ने इंस्टीट्यूशनज,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰਾਈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਤੇ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਯੂਅਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ 8ਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਟੀਅਰ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਅਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਬ ਸਕੇਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 30,000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾ ਕੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 25,000 ਪਾਊਂਡ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ 25,000 ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਟੀਅਰ 2 ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 8 ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ 8 ਦੇ 8 ਅਪਡੇਟ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UK ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UK ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤਤਪਰ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ UK ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਲ ਲੌਜਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 90413 90412 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ info@landmarkimmigration.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੈਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ UK ਦਾ ਕੇਸ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ